हेलो एवरीबॉडी, दिस इज तार अब्बास एंड यू आर वाचिंग गो हैश। आज प्राइम टाइम शो में हम कवर करने वाले हैं बहुत सी अच्छी इंटरेस्टिंग लोकेशन, इंटरेस्टिंग फीचर, इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ फन मैक्स 12D की, जो कि आज ही ओपन हो चुका है एशियन बिजनेस सेंटर में। यस, एशियन बिजनेस सेंटर की बिल्डिंग देख रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्डिंग के सबसे राइट वाले कॉर्नर पर नीचे यहाँ पर है फन मैक्स। जैसे कि हम अब कवर कर रहे हैं फन मैक्स की ओपनिंग, जिसको वक्त देने के लिए साउथ के एमएलए द यंग एंड द डायनामिक अबुगोड़ा साहब यहां पर हैं। फन मैक्स 12D जो राइड है, सिनेमा राइड, ये फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा ऐसा कोई राइड बनाया है। डेफिनेटली सब लोग इसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सब लोग एक बार ट्राई करना चाहिए। इट्स ए वेरी डिफरेंट फीलिंग है, जो रियल लाइफ में हम कैसा राइड्स को जाते हैं वैसा ही एक फीलिंग है। तो मैं हमारे भाई समीर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आगे आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी तरह से फन मैक्स चलने दीजिए और आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही इनोवेटिव और थोड़े राइड्स और न्यू स्क्रीन्स लेके आने दीजिए। उनको बोल के बोलते हुए मैं और एक बार मैं बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ उनको कि मुझको एक मौका दिया गया ये आके ओपनिंग करने के लिए। वंस अगेन सभी लोगों को, गुलबर्गा के लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फन मैक्स 12D सिनेमा राइड जो है, सब लोग आके एक बार आके वो एक्सपीरियंस करने दीजिए। और अभी भी शो देखकर हमारे एक करीबी भाई भी आए हैं, सर आपका एक्सपीरियंस बताइए सर। इट्स वेरी गुड, इट्स मच एडवांस टेक्नोलॉजी, यू फील द वाटर शावर्स, द फोम एंड ऑल, इट्स मार्वेलस, यू कैन एक्सपीरियंस वंस इन लाइफ हमें। और ये छोटू, अरे छोटू आपने एंजॉय किया मूवी को? हाँ। क्या नाम है आपका? फास। बताइए कैमरे को, बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। तो आप अपने फ्रेंड्स को लेकर आएंगे यहाँ पे? हाँ जरूर लेके आऊंगा। It was very good, I liked it. Okay. And I think that I'll come it every day. Every day, काफी अच्छी बात बताई। तो आप अपने friends को लेकर आएंगे यहाँ पे? Sure, sure. जैसे आप देख रहे हैं अभी भी 12D का show खत्म हो चुका है, people are coming out. Thank you. आइए सर प्लीज़ आप हमारे लिए वेट करें। Thank you so much सर। सर आप कुछ शेयर करेंगे आपका एक्सपीरियंस, हाउ यू फेल्ट? अच्छा, थ्रिलिंग है माशाल्लाह, बहुत अच्छी चल जी। हाँ, उसमें बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है जी। गुलबर्गा में एक नया तजुर्बा, नया एक्सपीरियंस है जी। हम इसके लिए बहुत अच्छे, हमारी नेक तमन्नाएं हैं, विशेष है हमारे लिए, इनकी कोशिशों को कामयाबी मिले हम। Exactly. I wish all the best. So I have with me राजेश गुत्तेदार साहब, who is from the ZP. सर आप तो यंग हैं, डायनेमिक हैं, आप काफ़ी सारे सोशल एक्टिविटी ऑलरेडी करते आए हैं, 12D सिनेमा के बारे में क्या कहेंगे? यू नो 12D सिनेमा इज वेरी एक्सपीरियंसिंग, इट्स फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा सिटी एंड नो मोर गुलबर्गा इज अ डेवलपिंग सिटी, इट्स अ डेवलप्ड सिटी नाउ एंड वी हैव सीन मेनी 12D सिनेमाज लाइक इन बैंगलोर एज वेल एज इन मेट्रो सिटी थ्रू आउट इंडिया। द फर्स्ट टाइम इन गुलबर्गा, इट्स लाइक ए ग्रेट एक्सपीरियंस। समीर भाई जो ये जो एक्सपीरियंस दिए गुलबर्गा पीपल के लिए, इट्स गोना बी वेरी ह्यूज सक्सेस एंड इट्स वर्थ वॉचिंग इन गुलबर्गा जस्ट फॉर 80 rupees. Yeah, it's very economical and I wish Samir all the best. Nice. And once again and whole staff all the best. Thank you. So these are very affordable things for student, one of the best experience I ever had. Exactly. This is no more than the reality thing. Exactly. So this is very nice thing. I would like to request all the youths of Gulbarga to come and enjoy a ride which is very new for Gulbarga crowd. Exactly.
So I wish all the very best to Sameer bhai and to prosper this business and have a great time. सर एक कम्प्लीटली रियलिटी शो जैसा दिख रहा है जो छोटे बच्चों से लेके यूथ तक दे कैन एन्जॉय. ये रियलिटी शो है एंड आई विश समीर भाई एंड अ टीम ए वेरी सक्सेसफुल वेंचर एंड 100% एक नया कॉन्सेप्ट फॉर गुलबर्गा है एंड मानता हूँ कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा. अभी अभी एनी की आरटीसी चेयरमैन इलियास सेठ भी यहाँ पर आए, मैं उनसे जानना चाहता हूँ. इलियास सेठ, वेलकम टू फनमैक्स. एनी की आरटीसी में आप इतने सारे डेवलपमेंट्स ला रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि फनमैक्स भी एक सिटी के लिए डेवलपमेंट है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है. एनी की आरटीसी डेवलपमेंट जो कर रही है और ये जो आप हमारे समीर साहब जो ये किए हैं, बहुत गुलबर्गा के लिए एक शान है. जैसे लोगों को हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर जाना पड़ता था ये चीज़ के लिए, तो आज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमको. खुद बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई जो है गुलबर्गा में आ गया. बहुत फंटास्टिक है, गुलबर्गा के लोगों के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है. इंशाल्लाह समीर को इसमें कामयाबी मिलेंगे और गुलबर्गा के लोग इसे अपने बच्चों को लेकर कर एक जो संडे स्पेशल है, जो वीकेंड्स में जो गुलबर्गा के लिए अच्छा एक डेस्टिनेशन मिल गया गुलबर्गा के लिए. बहुत अच्छा, एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये गुलबर्गा के लिए. बहुत अच्छा, बच्चों के लिए एक नया एंटरटेनमेंट, वंडरफुल चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ लाई. बच्चों के अलावा बड़ों लोगों के जैसे हम के लिए भी एक रियल इफेक्ट्स हैं इसमें. जो रियल इफेक्ट्स की जो फीलिंग आ रही, वेरी एक्सेलेंट, क्योंकि हर चीज़ हम वी आर इन्वॉल्व इनटू दैट, तो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेरी नाइस थिंग फॉर आवर पीपल. उसमें एक सा इफेक्ट है नीचे, जब बिच्छू काटता है तो पैरों में जो है पैर मारता, उसके बारे में? अरे रियली मैं मतलब उड़ गया था ऑलमोस्ट. अच्छा है वो सेफ्टी बेल्ट्स हैं उसमें. रियल फीलिंग है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. थैंक यू सो मच. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे पॉजिटिव वाइब्स चल रहे हैं, डे वन है फनमैक्स में. तो याद रखिए फनमैक्स टूवल्डी सिनेमास एशियन बिजनेस सेंटर पर लोअर ग्राउंड पर है. सो राइट नाउ आई हैव विद मी वन ऑफ द मैनेजिंग पार्टनर फॉर फनमैक्स, दैट इज समीर विखार साहब, हु इज ऑलरेडी हैंडलिंग ट्रैवल नीड्स, उनकी ट्रैवल कंपनी है. समीर भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन मैं अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने गुलबर्गा में लाया है. बस यही है कि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में ही है, अभी टीयर थ्री सिटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है. ये टीयर थ्री सिटी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये फर्स्ट टीयर थ्री सिटी है गुलबर्गा, जहाँ पे ये हमने स्टार्ट किया है. तो बेसिकली ये वर्चुअल रियलिटी है जिसमें हम स्पेशल इफेक्ट्स ऐड कर रहे हैं, ताकि आपको जो सीन आप देख रहे हैं मूवी स्क्रीन पे, तो आपको वो इफेक्ट पूरा रियल आए. तो दैट इज़ 12D सिनेमा एक्चुअली, और ये फर्स्ट टाइम है टीयर थ्री सिटी में, गुलबर्गा में भी ये फर्स्ट टाइम है. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गुलबर्गा सिटीजन्स को कि आएँ और ये शो अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें. लोगों को कन्फ्यूजन है सिनेमा यानी कि क्या बॉलीवुड मूवीज दिखाने वाले हैं, ऐसा कन्फ्यूजन चल रहा, तो जस्ट क्लियर द एग्जैक्टली सिनेमा मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं? ये कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड सिनेमा नहीं है, ये दिस इज़ बेसिकली स्टीरियोटाइप सिनेमा होते हैं जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर 12D सिनेमा एक्सपीरियंस. बट इसमें कोई एनिमेशन, इसमें एनिमेशन ही है, इसमें कोई कैरेक्टर्स नहीं मिलेंगे आपको जैसे कि बॉलीवुड या अपने हॉलीवुड में होते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली स्टीरियोटाइप सिनेमा जिसमें आपको कार्टून मिलेंगे और उसके साथ में ये इफेक्ट्स भी मिलेंगे सारे, जिसमें रेन आएगा आपको, बबल, स्नो और बाकी 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट हमने इसमें ऐड किए हैं. तो होपफुली ये सारे एज ग्रुप को पसंद आएंगे, उम्मीद करते हैं सारे लोग आएंगे और देखेंगे. प्लीज़ गुलबर्गा सिटीजन्स, प्लीज़ कम एंड वॉच दिस शो वंस. एग्जैक्टली, तो आज ओपनिंग के दिन ये शो बिल्कुल फ्री है, लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, टुमारो ऑनवर्ड्स वी हैव 80 rupees फॉर टू शोज एंड दैट विल लास्ट फॉर 12 minutes. सो डू जॉइन अस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड स्पेशल थैंक्स फ्रॉम गो हैश टू समीर भाई. थैंक यू सो मच. So funky man.
पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ फैन मैक्स के ओनर समीर साहब को, जिन्होंने एक नया इनिशिएटिव लिया है। इट इज़ लाइक अ फ्रेश एयर, क्योंकि यूजुअली कन्वेंशनल बिजनेस माइंडसेट है लोगों का। एक 12D का एक राइड का जो कॉन्सेप्ट समीर साहब लाए हैं, आई थिंक दिस इज़ वेरी मच इनोवेटिव एंड दिस इज़ लाइक द सिल्वर लाइन इन द क्लाउड। इट इज़ वेरी मच वेलकम, और मैं समझता हूँ कि गुलबर्गा के लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही पसंद करेंगे, सहारा आएंगे और हिम्मत अफजाई करेंगे। मैं खुद अपने बिहाफ सजेस्ट करता हूँ कि गुलबर्गा के नौजवानों को, बच्चों को, फैमिलीज़ को, कि यहाँ पे आए और एक एक्सेलेंट एक्सपीरियंस, जो 12D एक्सपीरियंस है, वो महसूस करें और बच्चों को भी यहाँ पे ले आए। एब्सोल्युटली राइट, कितने अच्छी अल्फाज यहाँ पे नासिर हुसैन साहब ने अभी कही है कि वी विश एंड होप दैट मिस्टर समीर हु हैज टेकन दिस वंडरफुल इनिशिएटिव टू ब्रिंग फन मैक्स टुवर्ड्स डी सिनेमास इन गुलबर्गा। दिस इज तार अब्बास फ्रॉम गो हैश एट फन मैक्स। थैंक यू सो मच।